गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नाउन और उसके प्रकार पढ़े थे, तो अब हम एक एक करके उसके सभी प्रकारों को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमने पहला लिया है प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। समझे आप? प्रॉपर नाउन वो नाउन है, वो संज्ञा है जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है, जो अपने आप में एक है, उस जैसे हजारों नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे राम, दिल्ली, गीता। अब यहाँ पे राम जो है उस एक राम की बात हो रही है ना। दिल्ली एक स्टेट है, ऐसा नहीं है कि लाइन से लगातार कई सारे दिल्ली स्टेट है। तो देखिए, राम लिव इन दिल्ली, तो इसके अंदर दो नाम को नाउन मिलते हैं, एक दिल्ली और एक राम, दोनों ही क्या हैं? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है गीता इज एन एम्बिशियस चाइल्ड। गीता कैसी चाइल्ड है? एम्बिशियस चाइल्ड है। तो गीता भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। सेकंड देखते हैं हम कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ये प्रॉपर नाउन का उल्टा होता है एक तरीके से। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द नाउन से किसी एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बॉय, टाउन, विलेज एटसेट्रा। द बॉय सेड दैट द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। लड़का कहता है जो पास का गांव है या जो पास का शहर है वो बहुत दूर है। तो इसमें दो नाउन है, एक बॉय और एक टाउन, दोनों ही क्या है? कॉमन नाउन। क्योंकि बॉय बॉय तो सभी हैं, हम किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं ले रहे, ना ही किसी पर्टिकुलर टाउन का नाम ले रहे हैं। तो ये किस में आते हैं? कॉमन नाउन में। अगला है द गर्ल्स आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। अब भाई लड़के अगर टाउन जा रहे हैं तो लड़कियां कम थोड़ी ना है, वो भी जाएंगी कहीं ना कहीं, तो वो गांव जा रही हैं। द गर्ल्स आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, इसमें दो नाउन हैं, गर्ल्स और विलेज, दोनों ही क्या हैं? कॉमन नाउन है। क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी गर्ल की बात हो रही है, तो हमने सभी को ही एक ही कैटेगरी में डाल दिया। तो ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। थैंक यू।